अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज हम बना रहे हैं बालूशाही। तो हम सबसे पहले तैयार कर लेते हैं शीरा, जिसके लिए हमें चाहिए 2 कप चीनी। जितनी हम चीनी लेंगे उसका हाफ पानी लेंगे, यानी कि 1 कप पानी। शीरे को हमने लो फ्लेम में पकाना है, हाई फ्लेम में हम इसे नहीं पकाएंगे। और इसे इतना पकाना है कि चीनी सिर्फ मेल्ट हो जाए, बहुत गाढ़ा शीरा हमने नहीं तैयार करना। ये देखें, ये चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस और इसे एक जोश देंगे। बालूशाही बनाने की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, 1/4 कप पानी, 1/4 कप घी, 2 चुटकी खाने वाला सोडा, 1 टेबलस्पून दही। एक बाउल में सबसे पहले हम घी शामिल करेंगे। घी को मैंने गर्म नहीं करा, नॉर्मल टेम्परेचर पे जो घी होता है ये वही है, गर्मी की वजह से मेल्ट हो गया है। इसके बाद 1/4 कप पानी शामिल करेंगे, फिर इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून दही, 2 चुटकी खाने वाला सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं लेना, खाने वाला सोडा लेना है हमने 2 चुटकी। और इसे हम स्पून से मिक्स कर लेंगे। अब शामिल करेंगे 1 कप मैदा, 1 स्पून से ही मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हाथ से भी हमने थोड़ा सा इसे मिक्स करना है, गूंदना नहीं है, हम सिर्फ इसे मिक्स करेंगे, आटे की तरह हम इसे नहीं गूंदेंगे। इसके बाद हम इसमें 3 टेबलस्पून मैदा शामिल करेंगे, 1 दफ़ा फिर हम मिक्स करेंगे। हल्के हाथ से हम इसे मिक्स करेंगे। ये देखें, बालूशाही की डो तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं, ये देखें, मैं ऊपर नीचे इसको फोल्ड कर रही हूँ 1 दफ़ा फिर, ताकि हमारी लेयर्स अच्छी से तैयार हो सकें। बालूशाही की जब हम फ्राई करेंगे तो इसकी बहुत अच्छी सी लेयर आएंगी। ये मैंने इसके 3 पार्ट्स में इसको काट लिया है। अब ऊपर नीचे इसको रख के मैं इसे रोल करूँगी। रोल करने के बाद हम इसे छोटे छोटे से पीस काट लेंगे, बहुत बड़े साइज़ के भी हमें इसे पीस नहीं काटने और ना ज़्यादा छोटे काटने हैं। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे, आप चाहें तो हथेली पे भी बना सकते हैं। इसको अच्छी तरह से पेड़े बना के और बीच में थम्स या फिंगर से अपनी प्रेस कर देंगे। ये देखिए, मैं दोबारा करूँगी, अपनी फिंगर से मैं बीच में प्रेस कर दूँगी। घी को हमने बहुत स्लो फ्लेम में गरम करना है, इतनी स्लो फ्लेम रखेंगे कि हम उसको और कम करें तो हमारा चूल्हा बंद हो जाए। छोटा सा पेड़ा डाल के हमने घी को चेक करा है, जब ये ऊपर आ जाएगा तो हमारा घी रेडी है बालूशाही फ्राई करने के लिए। अब हम इसमें 1 बाय 1 बालूशाही ऐड करेंगे। बहुत ही स्लो फ्लेम में हमने बालूशाही को फ्राई करना है,
अगर हम थोड़ी सी भी आग को तेज़ करेंगे तो हमारी बालूशाही अंदर से कच्ची रह जाएगी, इसलिए हमने बहुत ही स्लो फ्लेम रखना है। और इस दौरान हमने बालूशाही को चम्मच से बिल्कुल भी नहीं हिलाना। जब बालूशाही खुद ऊपर आएंगी उसके बाद हम थोड़ी सी आग तेज़ करेंगे। तकरीबन एक साइड पे बालूशाही को मैंने 6 से 7 मिनट फ्राई करा है लो फ्लेम में। आग को हमने बिल्कुल भी नहीं तेज़ करना, बहुत ही दरमियानी आंच में हमने इसको फ्राई करना है। ये देखें बालूशाही अब ऊपर आ चुकी हैं। अब हम इसका चूल्हा थोड़ा सा तेज़ करेंगे। ताकि हमारी बालूशाही नीचे से गोल्डन हो सके। ये देखें मैं नीचे से पहले चेक करूँगी कि कलर आया है या नहीं। अगर कलर आएगा तो फिर हम इसे पलट देंगे। देखिए थोड़ा सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। अब हम इसे फोल्ड करते जाएंगे और दूसरी साइड से भी हम तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको फ्राई करेंगे लो फ्लेम में। हाई फ्लेम नहीं करना हमने, इससे हमारी बालूशाही अंदर से कच्ची रह जाएंगी। ये देखिए हमारी बालूशाही का बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। ये शीरे में भी जाके बहुत अच्छे से कलर की हो जाएंगी। ये देखें दोनों तरफ से हमारी बालूशाही रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसे एक एक करके निकालेंगे और शीरे में डिप करेंगे। ये देखें बालूशाही हमारी बहुत अच्छी सी गोल्डन फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे शीरे में ऐड करेंगे। तकरीबन 2 मिनट हमने एक साइड पे शीरे में इसको डिप करना है और दूसरी साइड पे भी फोल्ड करके 2 मिनट हम इसको शीरे में डिप करेंगे। ज़्यादा देर हमने इसको शीरे में नहीं रखना, इससे हमारी बालूशाही नरम हो जाएंगी, सॉफ्ट सी। एक एक करके हम सारी बालूशाही को फोल्ड कर देंगे शीरे में। ये हो गई हमारी दोनों साइड से बालूशाही में शीरे में डिप। ये हमारी बालूशाही रेडी हो गई हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।